नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें उत्तराखंड से। आज उत्तराखंड में कई इलाकों में देर शाम के बाद मौसम बदल गया। बागेश्वर के कपकोट में बारिश हुई, जिसके बाद भारी तबाही हो गई। यहां बारिश के बाद गदेरे उफान पर आ गए। मुनार इलाके में चार दुकानों में मलबा और पानी घुस गया। मुनार इलाके में सड़कों पर भी मलबा हर तरफ पट गया। कई गाड़ियां रोड पर फंस गई। मुनार के अलावा कई अन्य इलाकों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई जगह तबाही और बर्बादी की खबर है। एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ जंगल की आग विकराल है। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना घाटी के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। लाखों के पेड़ जल चुके हैं। जिला मुख्यालय में बाड़ाहाट और मुखेम रेंज के जंगल रात भर जलते रहे। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी भी फायर की टीम के साथ रात भर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे रहे। आग के कारण जिले में हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। भीषण गर्मी के बीच कुछ लोगों को सांस लेने में भी अब दिक्कत होने लगी है। उधर उत्तरकाशी के धरासू रेंज के दीवारी खोल बंचौरा क्षेत्र के जंगलों में आग का कहर देखने को मिला। जंगल की आग इतनी तेजी से फैली कि एक भेड़ पालक और 16 बकरी आग की चपेट में आ गए। 16 बकरी और एक पालतू कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। आग की चपेट में आने से भेड़ पालक भी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इधर लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम चरण में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीते तीन दिन से चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हैं। आज सीएम धामी ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब और उत्तराखंड में बहुत गहरा संबंध है। उत्तराखंड सिखों की तपस्थली है। वहीं सीएम धामी ने मंदिर में चल रहे लंगर में अपनी सेवा भी दी। ये तस्वीरें अमृतसर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिन से लगातार पंजाब में अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार को संभाले हुए हैं। और आज देखिए लंगर चखते हुए और लोगों को भी लंगर खिलाते हुए, यानी कि सेवा करते हुए गोल्डन टेंपल में सीएम पुष्कर सिंह धामी। बाकायदा इन्होंने मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और कहा कि उन्हें गुरु का आशीर्वाद मिल गया है। साथ ही उन्होंने साथ ही उन्होंने पंजाब और उत्तराखंड में संबंध बहुत गहरा और मजबूत होने की बात की। बहुत पवित्र आज अरविंदर साहब के यहाँ दर्शन हुए और गुरु घर की कृपा प्राप्त की। मैं उत्तराखंड और हमारे पंजाब में बहुत आपस में संबंध है। जहाँ ये सिख गुरुओं की पवित्र भूमि रही है, कर्म भूमि रही है, वहीं तपस्थली हमारा देवभूमि उत्तराखंड रहा है। चाहे रीठा साहब हो, हेमकुंड साहब हो, नानक मता साहब हो, सब हमारे पवित्र धर्मगुरुओं की तपस्थली है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जहाँ चारधाम हेमकुंड साहब जाने के लिए रोप वे का काम प्रारंभ करा दिया गया है, वहीं हमारे नानक मता साहब और रीठा साहब के लिए भी अन्य जो अवस्थापना सुविधाएं बनाई जा रही हैं, आज मैंने यहां प्रार्थना की है। गुरु की कृपा हम सब पर बने। इधर कांग्रेस ने काउंटिंग वाले दिन माहौल बिगड़ने की आशंका जताई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता गुस्से में हैं और ऐसे में काउंटिंग वाले दिन फॉर्म 17 का मिलान जरूरी है। वो वोटिंग के बाद बूथ पर एजेंट को दिया जाता है, अगर इसमें फर्क आता है तो काउंटिंग रोकी जानी चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ये कांग्रेस की बौखलाहट है, कांग्रेस को भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों का बैलेट वोट की इजाजत होनी चाहिए और उस पर अगर ऑब्जेक्शन लगता है तो काउंटिंग रोकी जानी चाहिए। और कांग्रेस को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए भी मेरे को लगता है तैयार होना है। जिस तरीके से सेना के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, हर वोटिंग मशीन में कितना पोल हुआ है
उसका प्रपत्र जो राजनीतिक दल का एजेंट होता है उसको उसी दिन दिया जाता है। इसलिए कांग्रेस भ्रांति फैलाने का काम न करे। जहाँ तक पोस्टल वोटों का विषय है, ये निश्चित रूप से मतदान के दिन तक भी पोस्टल वोट आते हैं। कर्मचारी वोटों का विषय है, वो जो पोलिंग के क्योंकि उसमें मोहर लगती है, वो उसे आने में उसके आंकड़े इकट्ठे करने में समय लगता है। आखिरी दौर के चुनाव प्रचार के सिर्फ 2 दिन बचे हैं और 4 जून को 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी जनता के सामने होगा और इसी 4 जून को उत्तराखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्री का भविष्य भी तय होना है। रिजल्ट तय करेगा कि कौन सा पूर्व मुख्यमंत्री 4 तारीख के बाद किस रोल में होगा। देखिए ये रिपोर्ट। चार जून का इंतजार पूरे देश को है। जब लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा, 4 जून को कोई संसद पहुंचेगा तो कोई घर बैठेगा। इसी 4 जून पर उत्तराखंड के 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी भविष्य टिका है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत, इन 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के भविष्य की राजनीति 4 जून के फैसले पर टिकी है। उत्तराखंड में 4 साल मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद हरिद्वार सीट से उम्मीदवार हैं। जीत मिली तो 5 साल संसद में बैठेंगे, लेकिन हार की सूरत में भविष्य पर सवाल उठेगा। त्रिवेंद्र रावत विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन लोकसभा के लिए पहली बार मैदान में हैं। हरिद्वार में त्रिवेंद्र रावत के खिलाफ भले चुनाव कांग्रेस के वीरेंद्र रावत लड़ रहे हैं, पर असल में ये चुनाव पूर्व सीएम हरीश रावत की साख और भविष्य का चुनाव है। वीरेंद्र रावत चुनाव जीते तो हरीश रावत की राजनीतिक विरासत आगे बढ़ेगी, लेकिन हार पूर्व सीएम हरीश रावत के सामने कई सवाल खड़े कर देगी। नेता विपक्ष और राज्यपाल छोड़कर हरीश रावत सभी पद संभाल चुके हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव के वक्त उनकी उम्र 79 साल होगी। इसलिए 4 जून के नतीजे कांग्रेस पार्टी में हरीश रावत का कद और पद तय करेंगे। जब तक कांग्रेस विजयी नहीं हो जाती है तब तक हरीश रावत मैदान में डटा रहेगा। राजनीति केवल चुनाव लड़ना ही नहीं है, चुनाव लड़ाना भी तो राजनीति है। पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे, विजय की तरफ लेकर के जाएंगे। मैं हार के साथ पीछे नहीं हट सकता, जीत के साथ पीछे हट सकता। हरीश रावत कांग्रेस के इकलौते पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 4 जून को बीजेपी में त्रिवेंद्र रावत के साथ तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक के भविष्य का भी सवाल है। ये दोनों नेता विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद रह चुके हैं, पर इस बार टिकट कटने के बाद दोनों का करियर दांव पे लगा है। फर्क बस इतना है कि अपने राजनीतिक करियर में निशंक प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहे तो तीरथ सिंह रावत को केंद्रीय मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। ऐसे में निशंक और तीरथ सिंह रावत के सामने विकल्प सीमित है। बीजेपी सत्ता में लौटी तो हो सकता है कि पार्टी इन्हें प्रदेश या राष्ट्रीय संगठन में पद दे या कहीं राज्यपाल बनाकर भेज दे। वही आखिर में सिर्फ 2027 विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का विकल्प बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सामने रहेगा। देखिए, सरकार बनने के बाद हर कार्यकर्ता के लिए व्यवस्था बनाना पार्टी नेतृत्व काम रहता है। जिसके योग्य जो कार्यकर्ता पार्टी उसको स्थान देती आई है। अभी तक भी उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को सम्मान देने का केंद्र नेतृत्व ने काम किया है और भविष्य में आप देखेंगे कि हमारे सभी कार्यकर्ता जो जिसके योग्य है उस स्थान पर उसको बिठाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और तीरथ सिंह रावत हैं, उन दोनों के भाग्य में क्या किसी प्रदेश का राज्यपाल बनना लिखा हुआ है अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है? और त्रिवेंद्र सिंह रावत अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उनका कद कितना बढ़ेगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और हरीश रावत और उनके बेटे का क्या होगा? अगर हरीश रावत का बेटा चुनाव जीत जाता है तो कांग्रेस में उनकी पकड़ और मजबूत हो सकती है, लेकिन अगर वो हार गए तो कांग्रेस में वो हाशिए पर चले जाएंगे। साफ है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री रह चुके इन चारों नेताओं के लिए 4 जून का रिजल्ट बहुत कुछ तय करेगा। जहां त्रिवेंद्र रावत और हरीश रावत का भविष्य हरिद्वार का रिजल्ट तय करेगा, तो निशंक और तीरथ सिंह रावत का भविष्य 4 जून के बाद बनने वाली सरकार पर टिकी है। देहरादून से दीपांकर भट्ट, न्यूज 18।
देहरादून का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दो पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है, लात घूंसे चल रहे हैं। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जब तफ्तीश की तो वीडियो बसंत विहार का बताया गया, जिसकी छानबीन के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक दोनों पक्ष ऑटो चालक हैं और सवारी को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, जो बढ़ता ही चला गया और ये मामला सड़क पर लड़ाई तक पहुंच गया। पुलिस ने केस दर्ज किया है, दोनों तरफ से आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में लोगों को बिजली के झटके भी खूब मिल रहे हैं। कई घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। इतना ही नहीं, इन झटकों से लोगों की प्यास भी बढ़ गई है। खासतौर पर देहरादून और हल्द्वानी में हालात बेहद खराब हैं। सूरज की बढ़ती तपिश ने पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है और इसी तपिश के बीच UPCL की ये मशीनरी भी फ्यूज हो चली है। बिजली की इन लाइनों में इन दिनों करंट दौड़ना बंद हो चला है और लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। करीब करीब हर शहर में घंटों की कटौती हो रही है। मैदानी इलाकों में हालात और ज्यादा खराब हैं। ये ऊर्जा प्रदेश है और सबसे ज्यादा बिजली जो जा रही है यहीं जा रही है। और मैं आपको बता दूं, नैनीताल जिले में सबसे ज्यादा बिजली जा रही है। ये टूरिस्ट प्लेस कहलाया जाता है, उसके बाद भी यहाँ सबसे ज्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि सुबह के टाइम पे बिजली चली जाती, पानी नहीं भर पाता आदमी। शाम के टाइम पे बिजली चली जाती, पानी नहीं भर पाता। जो जलस्थान के ओवर व्हाइट टैंक है, वो जब लाइट चली जाती तो ओवर टैंक नहीं भर पाते हैं, जिससे लाखों जनता जो हो रही है प्यासी रह जा रही है। दरअसल जब बिजली आ रही है तब पानी नहीं, और पानी आने के वक्त पर बिजली गुल हो रही है। तो ऐसे में विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रहा है। पूरे प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती लागू कर दी गई है। जनता बदहाल है, नलकूप लो वोल्टेज की वजह से फूक चुके हैं और पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। जाहिर है, समय गर्मी के साथ पर्यटन का भी है। एक तरफ गढ़वाल में चारधाम की यात्रा परवान पर है तो दूसरी तरफ कुमाऊं में सैर सपाटे और गर्मी से राहत पाने को लोग पहुंच रहे हैं, और ऐसे में बिजली का जाना इस गर्मी की तपिश को और ज्यादा बढ़ा रहा है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। राज्य में बिजली कटौती की यह स्थिति तब है जबकि इस साल रिकॉर्ड तोड़ बिजली उत्पादन हुआ है। बिजली उत्पादन करने वाले निगम UJVNL का कहना है कि राज्य सरकार की 19 परियोजनाएं इस वक्त खूब बिजली पैदा कर रही हैं, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। हालांकि इसके बाद भी बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। ये बताने के साथ मुझे हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 28 मई तक हमारा जनरेशन 744 मिलियन यूनिट हुआ है, जो कि पिछले वर्ष इसी समय में, इसी पीरियड में 674 मिलियन यूनिट था। गर्मी में बिजली की कमी से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। राजधानी देहरादून समेत कई शहरों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है और इसी के विरोध में पूर्व सीएम हरीश रावत गुरुवार को 1 घंटे का मौन उपवास करेंगे। हरीश रावत का कहना है कि गर्मी में बिजली की कटौती से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और अगर तब भी हालात नहीं सुधरे तो UPCL ऑफिस के बाहर वो धरना देंगे। बहुत ख़राब है, मैंने आज ही ट्वीट किया है कि कल मैं बिजली के जो लूट है, बिजली के नाम से सरकारी लूट चल रही है और अघोषित पावर कट है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, मैं 1 घंटे का मौन उपवास रखूंगा, व्रत रखूंगा। सुपरस्टार रजनीकांत आज देहरादून पहुंचे। यहां चेन्नई से वो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। रजनीकांत बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन के लिए आए हैं। कल दोनों धाम के लिए रवाना हो जाएंगे। आज रात ऋषिकेश में ही रुकेंगे रजनीकांत। रजनीकांत ने कहा कि उत्तराखंड भगवान का घर है और यहां आकर उन्हें अच्छा लगता है। रजनीकांत कई बार बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। आप बद्रीनाथ, केदारनाथ और बाबा जी के द्वार हट जा रहा हूं मैं, और आप ऋषिकेश आराम से, आप आराम से, अब ऋषिकेश जाके उधर से जा रहा हूँ। कैसा लग रहा है उत्तराखंड, क्या मैसेज दोगे आप आज जनता के लिए? ये भगवान का धरती है।
और चार धाम यात्रा के 20 दिनों में 13 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। यह आंकड़ा पिछले साल से दोगुना है। लिहाजा व्यवस्थाएं बनाने में सरकारी मशीनरी के पसीने छूट रहे हैं। हालात ये हैं कि अब तक 67 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। चारधाम यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है उसने अभी तक के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अकेले केदारनाथ में सबसे ज्यादा 5.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और वो भी तब जब चारों धामों में केदारनाथ की यात्रा सबसे ज्यादा कठिन है। पूरी चारधाम यात्रा में अभी तक हार्ट अटैक और स्वास्थ्य संबंधी अन्य दिक्कतों से 67 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौत केदारनाथ रूट पर ही हुई है। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि ज्यादातर श्रद्धालु अपना हेल्थ स्टेटस छिपा रहे हैं या फिर चेतावनी के बावजूद यात्रा कर रहे हैं, जो कि यात्रा के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कि जब भी ट्रैक करें, मुश्किल ट्रैक जैसे यमुनोत्री है और केदारनाथ जी का ट्रैक है, हर 1 से 2 घंटे बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट अनिवार्य तौर से लें और अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखें, प्रॉपर मौसम के अनुसार प्रॉपर ड्रेस भी पहने। स्वास्थ्य विभाग ने 50 साल से ज्यादा उम्र वाले यात्रियों के लिए हेल्थ स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है, लेकिन यात्री इसका पालन नहीं कर रहे। यात्रियों की सुविधा के लिए पूरे यात्रा रूट पर 12 स्क्रीनिंग सेंटर और 50 स्क्रीनिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इन पॉइंट्स पर विशेष डिवाइस दी गई है जो ऑक्सीजन लेवल, ब्लड प्रेशर समेत 28 तरह के टेस्ट करती है। पूरे यात्रा रूट पर 26 मेडिकल रिलीफ पोस्ट भी बनवाई गई है, जिनमें सबसे ज्यादा 14 पोस्ट केदारनाथ रूट पर है। हमारे डॉक्टर्स के पास पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग डिवाइसेस हैं। ये 28 प्रकार के टेस्ट करता है, जैसे बेसिक टेस्ट, टेम्परेचर, बीपी, ऑक्सीजन लेवल, ये सब ये मेजर करता है। तो इस बार काफी अच्छा रिस्पांस रहा है स्क्रीनिंग को लेकर। भारी भीड़ के बाद भी बीते सालों की अपेक्षा इस बार यात्रियों की मौत का आंकड़ा काफी कम माना जा रहा है। केदारनाथ और यमुनोत्री दोनों धामों के लिए पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, लिहाजा एडवाइजरी भी जारी की गई है कि यात्री 1 से 2 घंटे की पैदल यात्रा के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूर लें, ताकि उनकी चारधाम यात्रा सफल हो सके। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की लगातार तबीयत खराब हो रही है और ऐसे में पुलिस प्रशासन यात्रियों के लिए मददगार साबित हो रहा है। पुलिस के जवान लगातार मंदिर परिसर के आसपास यात्रियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर महिला तीर्थयात्री की जब तबीयत बिगड़ गई तो पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। आदि कैलाश यात्रा ने इस बार सैलानी से जुड़े, पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे पर खुशी ला दी है। आलम यह है कि पिथौरागढ़ शहर से लेकर अंतिम गांव कुटी तक देश भर के सैलानियों से ये पूरा का पूरा इलाका पटा हुआ है। यात्रा को शुरू हुए अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, बावजूद इसके हजारों सैलानी आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश यात्रा को लेकर जो जुनून इस बार नजर आया है, वैसा पहले शायद ही कभी दिखा हो। आलम यह है कि 13 मई से अब तक आदि कैलाश और ओम पर्वत के 15,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। सैलानियों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इनर लाइन परमिट का वक्त भी 15 दिन से घटाकर 4 दिन किया जा चुका है। उच्च हिमालय में मौजूद धार्मिक स्थलों को लेकर सैलानियों के जुनून ने पर्यटन कारोबार पर भी 4 चांद लगा दिए। आलम यह है कि मुख्यालय के होटल से लेकर कुटी तक के होम स्टे पूरी तरह से पैक हैं। और ओम पर्वत के लिए जिस प्रकार से हम लोग लोगों का आना जाना देख रहे हैं, इसकी वजह से न सिर्फ पिथौरागढ़ बल्कि धारचूला, गुंजी, नाबी और बूदी, इन छोटी छोटी जगहों पे भी जहां होम स्टे चल रहे हैं, मैं देख रहा था सारे होम स्टे लगभग लगभग फुल हैं। बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आदि कैलाश के दर्शन किए थे, जिसके बाद ये पूरा इलाका देश में चर्चित हो गया। पीएम मोदी के दौरे के बाद इस साल यात्रा में उमड़ा जन सैलाब हजारों लोगों को रोजगार भी दे रहा है। पिथौरागढ़, धारचूला, बूंदी, गुंजी, नाबी और कुटी में पर्यटन कारोबारियों के हाथ जैसे चांदी लग गई हो। हालात तो कुछ ऐसे हैं कि सैलानियों की बढ़ती तादाद के आगे सुविधाएं कम पड़ रही हैं। ऐसे में अब प्रशासन इस इलाके में गेस्ट हाउस के साथ ही होम स्टे की संख्या बढ़ाने पर भी प्लान कर रहा है।
टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कैलाश धाम बनाया जा रहा है जिसमें रहने की भी सुविधाएं होंगी और इसके अतिरिक्त वहाँ होम स्टेज को और भी अधिक प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पे एक सर्किट हाउस बनाने का भी प्लान किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट के गेस्ट हाउसेस हैं उनको भी इस्टेब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है ताकि आगे अगर इनके टूरिस्ट की मांग बढ़ती है तो उनको एकोमोडेट किया जा सके। मैदान की आग उगलती गर्मी के मुकाबले यहां पहुंचे सैलानियों को मौसम से भी खासी राहत मिल रही है, साथ ही उन्हें वो सब कुछ भी देखने को मिल रहा है जिसकी चाहत हर किसी के मन में होती है। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शनों को लेकर लोगों में जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है उससे साफ है कि आने वाले सालों में यहाँ की पूरी तस्वीर बदली नजर आएगी। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेति की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।